السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये मोबाइल लग रहे हो, यही करते रहोगे सुनोगे। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنزم الذل والصغار على من خالف أمري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شبيهك بدر الليل بل أنت أنور، ووجهك من ماء الملاحة أزهر. فيا زينة الدنيا ويا غاية المنى، فمن ذا الذي عن نور وجهك يبصر؟ فثلثك كافور وربعك عنبر، وخمسك ياقوت وباقيك جوهر. فما ولدت حواء من صلب آدم، ولا بجنان الجنة مثلك آخر. ثلاثة تضيء الدنيا ببهجتها، وفي سر قلبك مثلهن مصور. آفاقها جرديد أم مهريب تاور زيد أم بسيار حروبا بيد أم، لكن تجيز ديگري تو أسفري چابق تري، وزبرق بالنازق تري، وزانچ بويت بهتري. حقا عجائب دلبری. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے روئے نش محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ حامد بھی احمد بھی محمود بھی، اور علم و دانش میں غیر محدود بھی، ظاہراً قومیوں میں اٹھایا گیا. مجھے حشر کا غم ہو قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستو، یہ عظیم موقع ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سب سے اعلیٰ و بالا ہے، تو آپ کی نسبت سے
जो काम किया जाए वो भी यकीनी तौर पर सबसे आला व बाला होगा। और फिर आप अली सलातु व सलाम की सीरत को जिस मजलिस में बयान किया जाए, यकीनी तौर पर फरिश्ते उसको रहमत से घेरेंगे और अल्लाह की रहमतों की बारिश उसके ऊपर होगी और अल्लाह के बंदों पर सकीने का यकीनी तौर पर नुज़ूल होगा। और ये भी सच है, कोई भी सीरत निगार, कोई वाइज और मुकर्रर और खतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के किसी एक पहलू को भी मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये पहलू मुकम्मल बयान कर दिया। जिसकी सीरत को, जिसकी सूरत को और जिसके कमालात को अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा हो, तो हम जैसे चपेदी चपेदी के शोर में क्या उसकी सीरत को बयान कर सकते हैं। हाँ यह जरूर है कि उंगली कटा के शहीदों में हम भी नाम लिखा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम इसलिए बयान करते हैं कि हमारी जबान भी आपकी सीरत के बयान करने से पाक हो जाए, हमारा दिल भी शफाफ हो जाए और हमारे वजूद पर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के नुकूश साबित हो जाए। इसलिए हम बयान करते हैं। बकौल हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला के, मां मदहत मोहम्मद बिमकालती वलाकिन मदहत मकालती बिमोहम्मद, कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अशआर कहे हैं उन अशआर से आपकी शान बुलंद नहीं हुई, बल्कि मेरे अशआर को मकाम बुलंदी हासिल हुआ है आपकी शान में अशआर कहने की वजह से, वरना मुझे कौन पूछता कौन जानता। नबी की शान में मैंने अशआर कहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इज्जत और शराफत से मालामाल किया, मुझे मकाम बुलंद अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जाहिर है कोई उसका हक अदा करना चाहे तो अदा कर ही नहीं सकता। इसीलिए किसी ने कहा था, हजार बार बशोई दहन गमुश्को गुलाब हनूज नाम गुफ्तन कमाल बेअदबी, कि हजार बार मुश्क से, गुलाब से, कस्तूरी से अपने मुंह को धोया जाए और फिर भी आका का नाम लिया जाए तो बेअदबी। ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल, उसका करम, उस मालिक का एहसान है कि उसने हमें अपने नबी के नाम लेने की इजाजत दे दी, जिसकी वजह से हमारी जबानें पाक हो रही, वरना हम जैसे नालायक और गंदे और मुजरिम और बागी और नाफरमान नबी के बेवफा। हक तो ये था कि अल्लाह कहता तुम इस लायक नहीं हो कि मेरे नबी का पाक नाम ले सके। अल्लाह ने इजाजत दी है तो उसका बड़ा फजल है, उसका एहसान है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के हालात और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक और आपके किरदार मुकम्मल तौर पर एक मजलिस में बयान नहीं हो सकते। मैं सीरत से पहले आमतौर से कुछ सूरत का तस्किरा करता हूं, क्योंकि बाज लोगों का ख्याल यह है कि कुछ लोग अल्लाह के नबी की सीरत को बयान करते हैं, सूरत को बयान नहीं करते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत को बयान किया जाए या सीरत को बयान किया जाए या सीरत को बयान किया जाए, जिंदगी के किसी गोशे को बयान किया जाए, यकीनी तौर पर वो सवाब से खाली नहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरत के एतबार से भी सबसे आला व बाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिरी सूरत में आप जैसा बनाया ही नहीं किसी को, किसी को नहीं बनाया,
بقول عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ نے وہ سانچا توڑ دیا جس سانچے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈالا تھا, وہ سانچا ہی توڑ دیا, دوسرا بن ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کے اعتبار سے بے پناہ حسین بنایا اپنے نبی کو کہ چاند و سورج کا حسن اور اس کی چمک اور اس کی روشنی اور اس کی تابانی پھیکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے. یوسف علیہ السلام کا حسن پھیکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے آگے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچہ خوباں ہمادارم کو تنہاداری. یوسف علیہ السلام کا حسن اور موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کا چمکدانا اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا, تمام انبیاء کے کمالات جو ہیں وہ ایک طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ایک طرف, تمام انبیاء کے علوم ایک طرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا پھاٹے مارتا ہوا سمندر ایک طرف. بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ تمام انبیاء کے علوم زکات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم. آپ علیہ السلام کا علم سمندر ہے اور تمام انبیاء کا علم اس کے مقابلے میں ایک قطرہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعتبار سے, صورت کے اعتبار سے بے پناہ حسین و خوبصورت. کہ آپ کے حسن کا یہ عالم تھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رات کا وقت ہے, میں کپڑا سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی, چراغ کی روشنی میں اس کو تلاش کرتی رہی پر سوئی نہ ملے. اتنے میں آفتاب نبوت طلوع ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دولت کرے پر حاضر ہوتے ہیں. رات کے وقت میں تو اتنی جگمگاہٹ ہوتی ہے, اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی روشنی سے وہ کھوئی ہوئی سوئی مل جاتی ہے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منور چہرہ بنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے باوجود پردے میں رکھا تھا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے حسن پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا, اگر پردہ ہٹا دیا جاتا اور پورا حسن ظاہر کر دیا جاتا تو صحابہ کرام آپ سے فیض اکتساب نہیں کر سکتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کے علوم سے استفادہ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اوپن تھا, ظاہر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیا ہے؟ پردہ تھا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن ایسا تھا کہ صحابہ کرام آپ کے حسن پر بھی کٹ مرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی کی مجال نہیں تھی کہ بات کر سکے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ہے, کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے اللہ کے نبی کا حلیہ کیا تھا, میں بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ پوری زندگی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو جی بھر کے دیکھا ہی نہیں, ہمت ہی نہ ہو سکی یہ دیکھ سکے. تو کیسا حسن ہوگا, کیسا جمال ہوگا, کیسی خوبصورتی ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے صحابہ کرام کبھی تو کہتے تھے کہ ان الشمس تجری فی وجهه, گویا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہے, اور کبھی فرماتے تھے کہ انه قطعة من القمر, چاند کا ٹکڑا ہے. اور پھر صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کرتے 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 جب تھک جاتے تھے اور کوئی مثال نہیں ملتی تھی, اس لیے کہ اللہ نے مثال بنائی نہیں, کوئی آئیڈیا تھا ہی نہیں, آپ جیسا نمونہ تھا ہی نہیں,
तुम आपके हुजूर को बयान करते जब थक जाते तो आखिर में उनका बोल क्या होता, वल्लाहि मा रअयना मिसलहु कत्तु क़ब्लु वला बादु, कसम अल्लाह की आप जैसा ना पहले देखा ना बाद में देखा, मिसाल दे तो कौन से। तो नबी अलैहिस्सलाम का हुस्न और आप अलैहिस्सलाम की खूबसूरती ऐसे हट करके एक सवाल किया करता हूं आपसे भी करता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न था और अल्लाह ने आपके हुस्न को कुरान में भी बयान किया, वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, रूहुल मानी में इसकी 17 तफ़सीरें लिखी मैंने खुद पढ़ी, 17 तफ़सीरें हैं, उनमें से एक तफ़सीर ये भी है, वज़ुहा और कसम है आपके खूबसूरत मुखड़े के, वल्लैल इज़ा सजा कसम है इन सियाह जुल्फों की जो आपके मुखड़े पे छा जाती है। अल्लाह ने आपके हुस्न की तारीफ कुरान में की है और आप पर कुरान कितनी उम्र में उतरा है, 40 साल के जब आप हो गए तो कुरान उतरा। इस हुस्न को जो बयान किया गया अल्लाह के नबी के, वो दाढ़ी के साथ या बगैर दाढ़ी के, बोलो भाई, दाढ़ी के साथ बगैर दाढ़ी के, दाढ़ी के साथ तो बयान किया गया, दाढ़ी के साथ अल्लाह के नबी हसीन है या बगैर दाढ़ी के, दाढ़ी के साथ हसीन है। अब अगर कोई आदमी ये कहता है, बुरा ना मानना, कि मैं बगैर दाढ़ी के हसीन हूं, वो सच्चा है या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सच्चा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को अल्लाह दाढ़ी के साथ बयान कर रहा है और आप जैसा हसीन अल्लाह कह रहा दुनिया में मैंने बनाया नहीं है दाढ़ी के साथ। अब अगर कोई ये कहे कि मैं बगैर दाढ़ी के खूबसूरत हूं, बगैर दाढ़ी के हसीन हूं, बगैर दाढ़ी के मैं महजबी हूं, उसकी अक्ल का फुतूर है, दिमाग में खलल है जो ये बात कर रहा है। हकीकी हुस्न अगर हो सकता है तो दाढ़ी के साथ होगा, बगैर दाढ़ी के नहीं हो सकता। तो हम सब भी हसीन बनना चाहते कि नहीं, जोर से बोलो, चाहते हो हसीन बनना कि नहीं? हर आदमी हुस्न का दिलदादा है, हुस्न पर फरेश्ता है, कोई आदमी नहीं चाहता मैं बदशक्ल बन के रहूं। हर आदमी रोजाना नहाता है, धोता है, बहुत से क्रीम पाउडर भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ताकि मेरा चेहरा चमकता रहे, दमकता रहे, लहकता रहे, महकता रहे, और लोग क्या है, फरेश्ता मेरे ऊपर होते रहे। हर आदमी की कोशिश, मैं इसको मना नहीं करता, आप कोशिश करो, अल्लाह ने आपको हुस्न दिया है बाकी रखो, अल्लाह का अतिया है। लेकिन ये हुस्न, हकीकी हुस्न कब होगा? जब मर्द दाढ़ी के साथ होगा, तभी हकीकी हुस्न। दाढ़ी के साथ नहीं है, दुनिया वालों की निगाह में हसीन हो सकता है, लफंगों की, लुच्चों की, गुंडों की, औबाशों की, बदमाशों की निगाह में हसीन हो सकता है, अल्लाह की निगाह में, नबी की निगाह में, औलिया की निगाह में, नेक लोगों की निगाह में वो हसीन नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह के फरिश्ते दुआ कर रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, सुबहान मन ज़य्यन अर-रिजाल बिल-लोहा व सुबहान मन ज़य्यन अन-निसा बिद-दवाइब, पाक है वो जात जिसने मर्दों को हुस्न दिया, मर्दों को खूबसूरत बनाया दाढ़ी से, और पाक है वो जात जिसने औरतों को हुस्न दिया है चोटियों से। औरत चोटी काट ले, परकटी हो जाए, हसीन नहीं लग सकती। मर्द जो है दाढ़ी से महरूम हो जाए, हसीन नहीं लग सकता। आप कहेंगे मेरी बीवी दाढ़ी नहीं रखने देती। हाँ, बहुत से ऐसे होंगे जन परस्त, जन मुरीद, वे कहेंगे क्या करूं, मेरी बीवी नहीं मानती, दाढ़ी नहीं रखने देती। जब आप दाढ़ी रखो और बीवी मना करे, दाढ़ी मत रखो, आपको ठीक है, चोटी मत रख, मैं दाढ़ी नहीं रखता, तू बाल मुंडा दे, मैं दाढ़ी मुंडा दूंगा, वो बाल मुंडाने पे तैयार नहीं, तो हम दाढ़ी मुंडाने पे काहे को तैयार। औरत का हुस्न बालों में है, मर्द का हुस्न दाढ़ी में। औरत बगैर बाल के हसीन नहीं, मर्द बगैर दाढ़ी के हसीन नहीं हो सकता।
तो इसलिए आप सब भी नियत करो, हमें नबी वाला चेहरा बनाना है। बनाओगे भाई? जोर से बोलो, हाथ उठाओ। हम तश्कील वाले आदमी है, पक्के जमाती तो हमारे यहाँ तश्कील होती है। रखोगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक दे। और ये मत सोचना कोई मना करेगा, बुरा कहेगा, या बाज लोगों का ख्याल और बाज लोगों की सोच ये होती है कि माहौल खराब चल रहा है, हमें बाहर भी जाना होता है, अंदर भी जाना होता है, सफर भी करना होता है, दाढ़ी वाले को सताया जाता है, या ट्रेन में क्या है, दाढ़ी वाला देख के मार दिया जाता है। अगर मारा भी जाता है तो मुसलमान समझ के, क्या समझ के मारा जाता है? मुसलमान समझ के मारा जाता है। और इंशाअल्लाह मुसलमान समझ के अगर हमें मारा जा रहा है तो इंशाअल्लाह हमारी शहादत की मौत। और अगर कोई बगैर दाढ़ी के मारा जा रहा है तो पता ही नहीं चल रहा कि ये मुसलमान है या गैर है। बड़ा मुश्किल मसला है। मैंने यहां कायमगंज में ही कहा था, 2017 में आया था 12 अव्वल में, कि आज हमारी पहचान क्या है। अगर हम जाहिरी हुलिये के एतबार से मुसलमान नहीं, अल्लाह ना करे कहीं फसाद हो गया, हम मार दिए गए, पता कैसे चलेगा मुसलमान है? पता चलेगा अब हमारा अंडरवियर उतारा जाएगा, देखा जाएगा खतना है कि नहीं है, शर्मगाह को देखा जाएगा खोल के, खतना है चलो मुसलमान है, खतना नहीं है तो बिरादरी वतन। हमें खुश शर्म करना चाहिए, हया आना चाहिए, कोई तो ऐसी अलामत हो, कोई तो ऐसी निशानी मेरे अंदर हो जिससे पता चले कि मुसलमान। एक एक करके इस्लाम की सारी निशानियों को, शाइर को हमने कुचल डाला, मिटा दिया, खत्म कर दिया कि कहीं से कहीं तक पता न चले कि मुसलमान। तो इसलिए इस मुल्क में रहो, अपनी शाइर के साथ, अपने तशख्स के साथ और अपने ईमान के साथ, नबी की सुन्नतों के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत के साथ खुदाई अहकामात को जिंदा रखो। तो इसलिए हमें क्या है, मुसलमान बनकर के रहना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा था भाई? दाढ़ी के साथ था। और आप जैसा हुस्न अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को दिया नहीं, इंसानों में भी नहीं, जिन्नातों में भी नहीं, जन्नत के हूरो गिलमान में भी नहीं, जन्नत के हूरो गिलमान में भी नहीं। हसन के साबित कह रहे हैं, फमा वलदत हव्वा मिन सुल्ब आदम वला बिजनानिल जन्नत मिस्लुका आखरु, कि हव्वा ने आदम की पुश्त से ऐसा कोई बच्चा जना नहीं और जन्नत के हूरो गिलमान में आप जैसा है नहीं। ऐसा खूबसूरत नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। इसलिए इस नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा इत्तिबा करना ये हमारे लिए मदार नजात और मदार हिदायत। तो जाहिरी हुलिये के एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, बेपनाह खूबसूरत, बेपनाह खूबसूरत है। और इतने खूबसूरत हैं कि बीवी अपने शौहर के हुस्न और उसके किरदार और उसके अखलाक की अगर तारीफ करे उस बंदे से ज्यादा बाअखलाक कोई नहीं हो सकता। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हुस्न की तारीफ यूं करती हैं, फरमाती हैं, लना शमसुन वलिल्ला फाकि शमसुन व शमसी खैरु मिन शमसी समाई फइन्ना शम्स तत्लु बाद फजरिन व शमसी तत्लु बाद इशाई। ऐ आसमान तेरा एक सूरज है और एक मेरा सूरज है, मेरा सूरज तेरे सूरज से ज्यादा अच्छा है, इसलिए कि तेरा सूरज सुबह को निकलता है और मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आसमान के सूरज के पास जाओ तो जल जाओगे, मेरे सूरज के पास आओ तो हिदायत पाओगे और हिदायत की ठंडक महसूस करोगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम के हुस्न को, खूबसूरती को बयान करती और आपके अखलाक के बारे में जब पूछा गया, अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से एक सहाबी ने पूछा
अल्लाह के नबी के अखलाक क्या थे, इतना खूबसूरत जवाब दिया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत सोहबत का असर था। जो अम्मा आयशा ने जवाब दिया है, क्या फरमाया, काना खोलो को हो अल कुरान, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, जो कुरान अल्फाज और हरूफ की शक्ल में है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक्दस में ढला हुआ। एक कुरान दो दफ्तियों के बीच में और एक कुरान मदीना की गलियों में घूम रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में। कुरानी अहकामात का मुजस्मा और तमसील देखना हो और हकीकत में उतरा हुआ देखना हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले। ये पूरा का पूरा कुरान आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उतरा हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह हसीन, बेपनाह खूबसूरत। इसीलिए जब पैदा हुए तो हजरत आमना कहने लगी, इससे ज्यादा हसीन तो देखे ही नहीं। दाइयां शिफा उन्होंने देखा, अरे ये तो चांद का मुखड़ा जैसा देखा ही नहीं। दूसरी औरतें आई, वो कहने लगी, अरे ये तो अजीब अल्लाह ने बनाया है खूबसूरत बच्चा, ऐसा तो मेरी आंखों ने कभी देखा ही नहीं। चचा अबू तालिब भाई कहने लगे, अरे तुम यहां की बात करती हो, मैं दूसरी जगहों पे मुल्कों में गया हूं, ऐसा हसीन नहीं देखा। दादा ने आके देखा तो दादा कहने लगे, तुम बात करते, मैं तो बादशाहों के पास भी गया हूं, बड़े बड़े मुल्कों में गया हूं, मुल्क शाम के ईरान के मैंने इस्तार किए हैं, लेकिन मेरी आंखों ने ऐसा खूबसूरत नहीं देखा। उधर से जिब्राइल अमीन आ गए, किसी ने फारसी अशार में तर्जमानी की, जिब्राइल अमीन ने कहा, तुम जमीन की बात करते हो, हम आओ तुम्हें आसमान की बात सुनाते हैं। जिब्राइल अमीन ने कहा, आफा कहा गर्दीद अम मेहरे बुता वर्जीद अम, आफा कहा गर्दीद अम, सारे आलम के चक्कर काटा मैंने, मेहरे बुता वर्जीद अम, बड़े बड़े महजबीनों को मैंने देखा है, विशियार फूंगा दीदाम, बहुत से हसीनों का मैंने दीदार किया है, लेकिन तू चीजें दी गरी, लेकिन आप तो कुछ और ही चीज है। तू अस परी चामुक करी वजबर बेबुल नाजुक करी, आपकी चाल परियों से ज्यादा तेज है, आपकी चाल परियों से ज्यादा तेज है कि एक रात में अल्लाह के नबी बैतुल मुकद्दस सातवां आसमान, फिर अल्लाह के कुर्ब में वहां कलाम, फिर जन्नत और जहन्नम, वहां के नजारे देखे, लोगों से मुलाकात, अंबिया से मुलाकात, इमामत, ये सारा का सारा एक रात में हो गया। सारा क्या हो गया, एक रात में, और लौट कर फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो आपकी चाल परियों से ज्यादा तेज है, तू अस्परी चाबुक करी वजबर बेगुल नाजुक करी, और फूल की पंखड़ी से ज्यादा आप नर्म नाजुक। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मा मससु दीवाजन वाला हरीरन अलियम मिन कफ रसूलिल्लाह, मैंने कोई रेशम और दीवा अल्लाह के नबी की हथेली से ज्यादा नर्म छुआ ही नहीं। आपकी हथेली की नरमी के मुकाबले में रेशम भी फेल था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को जाहिरी एतबार से इतना खूबसूरत बनाया। इसको मैं बयान करूं तो घंटों इसी के लिए चाहिए, मैं इसी पर बस करता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसा अल्लाह ने बनाया ही नहीं है। इसीलिए हसन बिन साबित ने क्या कहा, وأحسن من كلام قرقت عيني وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء। आप गोया ऐसा पैदे हुए हैं जैसे आप खुद अपने आप को चाहते। आप में से किसी से मैं कहूं आप जैसा चाहो वैसा बन जाओगे, तो आप क्या कहोगे कि जी मिस यूनिवर्स जैसा मैं बन चाहूंगा। ये तो कहोगे मिस यूनिवर्स जैसा, कि मेरे जैसा कोई हसीन ना रहे। हर आदमी तो यही चाहे कि मैं ऐसा बनूं कि मेरे जैसा कोई ना हो। हसन बिन साबित कह रहे अल्लाह के नबी ऐसे ही थे, गोया कि आपने अपने आप को खुद जैसा चाहा वैसा बना लिया। और जैसा अल्लाह ने बनाया
वैसा अल्लाह ने दोबारा बनाया ही नहीं किसी से। जो चीज जहां जैसी फिट होना थी वैसी अल्लाह ने फिट की, और जितनी हसीन होना थी सारा हुस्न का मरकज बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस। तो आप जाहिरी एतबार से बड़े हसीन, और अखलाक किरदार और करेक्टर के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को सबसे आला बनाया। इतना आला बनाया फिर अल्लाह ने कह दिया इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। क्या आप अखलाक की बुलंदियों को छूने वाले हैं? आपके अखलाक तक रसाई किसी की मुमकिन नहीं है कि हो सके। दुनिया में बड़े बड़े अखलाक वाले आए और उनके अखलाक के गुण गाए गए, उनके अखलाक के कसीदे पढ़े गए और उनके किरदार के लोगों ने गीत गाए, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक करीमाना और खुल्क अजीम आपके, आप अली सलातो सलाम की सीरत तजीबा और आपका जो किरदार है उसकी मिसाल न दुनिया पेश कर सकी है न पेश कर सकती। और अगर किसी के आप अखलाक देखना चाहें, मैं कहा करता हूं किसी के अखलाक आपको देखना है तो अपने छोटों में अखलाक देखें कि इसका किरदार छोटों के साथ क्या है। मुझसे बड़ा है तो मैं तो झुके उसे सलाम करूंगा, मुझसे ज्यादा मालदार है तो जरा मैं शर्मा हुजूरी में उसका इकराम करूंगा, इल्म में मुझसे बड़ा है मैं उसके सामने झुक जाऊंगा, लेकिन उससे छोटा है उम्र में भी, इल्म में भी, माल में भी, कमाल में भी, जमाल में भी, हैसियत में भी, नस्ल में भी, खानदान में भी, हर एतबार से छोटा है, उसके साथ अखलाक से पेश आना यह है आला अखलाक की निशानी। मेरे घर का जो नौकर है, मेरी दुकान का जो मुलाजिम है, मेरे घर में जो सफाई करने वाला है, मेरे घर में आने वाली जो बंदर है, मेरा उसके साथ किरदार क्या है, मेरा उसके साथ अखलाक क्या है, यहां पर अखलाक का पता चलेगा, यहां पर किरदार का पता चलेगा। आपके अखलाक का पता चलेगा उस वक्त जब आप रक्षे वाले से बात कर रहे हैं, उस वक्त आपका लबो लहजा क्या होता है, किस टोन में आप बात करते हैं। जब रक्षे वाले से बात करेंगे तो आपकी जबान पर तू होगा, आपकी जबान पर आप नहीं होगा, आपके लहजे में ताली और बड़ाई होगी, खुदसरी होगी। लेकिन अखलाक का कमाल यह है, एक रक्षा चलाने वाला हम जब उससे बात करें तो अदब के साथ, क्यों वो भी मेरे जैसा इंसान, इंसानियत तो उसके अंदर भी है, मैं क्यों अखलाक से गिर जाऊं। इंसान होने के नाते मैं उससे भी मोहब्बत से मिलूंगा, प्यार से मिलूंगा, खंदा पेशानी से बात करूंगा, लेकिन यहां पर अच्छे अच्छों की अखलाक धरे के धरे रह जाते हैं। उस रक्षे वाले के साथ जो हमारा बर्ताव होता है, आमतौर से लोग क्या करते हैं, पैसे तय नहीं करते और जब उतरने लगे निकाल के दे दी, वो कह रहा साहब कम है 5 रुपया और, दिमाग खराब हो रहा तेरा, जानता नहीं तू मुझे, यहां तक तो इतने लगते हैं, चला जा सीधा वरना 2 लगाऊंगा। ये अखलाक है, ये इंसान बोल रहा अंदर से या जानवर बोल रहा है, ये इंसान बोल रहा है या अंदर का शैतान बोल रहा है। हमने यही सीखा है नबी की सीरत से। चाहिए तो ये था अगर हमने 10 तय किए थे 15 देते, क्यों हम 5 दे देंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हम 5 उसको दे देंगे उसके दिल से दुआ निकलेगी साहब कितने अच्छे हैं, मेरे हक से बढ़कर के मुझे दिया है, 5 रुपये में हम उसका दिल जीत लेंगे। लेकिन हम उसके 5 रुपये मारना चाहते हैं, उस रक्षे वाले के हड़प करना चाहते हैं। ये तालीम किसने दी, ये अखलाक किसने सिखाए, ये किरदार हमें किसने बताया, ये लबो लहजा हमें कौन सिखा रहा है। नबी का तो यह लबो लहजा नहीं है, नबी के बारे में तो क्या कहे, आप अलैहिस्सलाम की शान में है
مكان لعارا ولا تعالا ولا صحابا في الاسواق. اللہ کے نبی لعنت کرنے والے بھی نہیں تھے, گالم گلوچ کرنے والے بھی نہیں تھے, کانو تشنی کرنے والے بھی نہیں تھے, بازاروں میں ہنگامہ کرنے والے بھی نہیں تھے. ہماری زبان آپے سے باہر کیوں ہوتی ہے؟ ہم قابو سے باہر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپے میں نہیں رہ پاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو دیکھو, آپ کا کردار دیکھو, آپ کی زندگی دیکھو کیا ہے, ملازموں کے ساتھ میں, غلاموں کے ساتھ میں, گھر کے افراد کے ساتھ میں, اپنے چھوٹوں کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ جو آپ سے چھوٹے ہیں, اور نبی سے تو سبھی چھوٹے ہیں, نبی سے تو سبھی چھوٹے, نبی سب سے بڑے, سب سے بڑے ہونے کے ساتھ سب سے بڑے اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سے بات نہیں کرتے, اللہ کے نبی کے لہجے میں بڑائی نہیں آتی, آپ کے لہجے میں تعالی کی بو بھی نہیں آتی تھی. نہایت عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اخلاق کا معیار آپ کے یہ تھا. اگر کسی میں کوئی خامی اور برائی اور کسی میں عیب دیکھا, کسی کے گناہ کا پتہ چلا, آپ منبر پر تشریف لاتے, یوں نہیں کہتے اے فلانے تو نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, نہ, آپ فرماتے ماں بالو اقوام, ماں بالو اقوام, لوگوں کو کیا ہو گیا, ایسا ایسا کرتے. اب جو اس جرم کا مرتکب ہوتا تھا اسے پتا چل جاتا تھا روئے سخن ہماری طرف. آپ ہم سے کہنا چاہتے ہیں لیکن نشاندہی کر کے اللہ کے نبی کبھی نہیں فرماتے تھے تم نے ایسا کیوں کیا. ماں بالو اقوام, کیا ہو گیا لوگوں کو کہ لوگ کیا ہے ایسا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ حال تھا, یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مجرم آ رہے ہیں, مجرم زنا کر کے اقرار کر رہے ہیں, اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا, ہم ہوتے تھے تھوک دیتے, دھچکار دیتے, بھگا دیتے, نالائق کہیں کہ شرم نہیں آتی, بے حیا بے حیر. وہ آگے کہہ رہے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا, آپ نے فرمایا نہیں تم نے نہیں کیا, نہیں اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا, آپ نے فرمایا صحابہ سے دیکھو اتنی شراب تو نہیں پی لی اس نے, ٹالنا چاہ رہے ہیں. ایک ساری کہ اللہ کے نبی نہیں شراب نہیں پی, اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا, ارے جانتا بھی یہ زنا کسے کہتے ہیں, کہے جانا زنا ہوا. اللہ کے نبی حلال بیوی کے ساتھ جو آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے, میں نے ایک اجنبیہ کے ساتھ خواہش پوری کی. اللہ کے نبی زانی کو دھتکار نہیں رہے, پھٹکار نہیں رہے, صحابیاں آ کے اقرار کر رہی ہیں اللہ کے نبی مجھ سے بدکاری ہوئی ہے, اللہ کے نبی ٹالنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی پیٹ میں بچہ بھی ہے. آپ نے فرمایا جا جا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا, اقرار کر لیا تھا سزا نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی نے ڈانٹا نہیں, دھمکایا نہیں, برا بھلا نہیں کہا, تان و تشنی نہیں کی, بے شرم بے غیرت بے حیا نہیں کہا, ٹال دیا کہ 9 مہینے کے عرصے میں بھول جائیں گے, بچہ پیدا ہو گیا لے کے آ گئی. اللہ کے نبی تہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی پاک کر دیجئے مجھے, مجھ سے گناہ ہو گیا, بچہ بھی پیدا ہو گیا, آپ اب بھی ٹالنا چاہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا تجھے میں اگر سزا دے دوں, رجم کر دوں, بچے کا کیا منے گا, جا اسے دودھ پلا, جب دودھ چھوڑ دے تب آنا. لے گئی, 2 سال دودھ پلایا, 9 مہینے اور 2 سال, 9 مہینے 2 سال ہو گئے, ان کے اندر آگ لگ رہی ہے مجھ سے گناہ کیوں ہوا ہے, اندر آگ جل رہی ہے مجھ سے گناہ کیوں ہوا ہے, کس طریقے سے مجھے رجم کر دیا جائے اور میں پاک ہو جاؤں اس گناہ سے تاکہ اللہ کے سامنے مجھے رسوا نہ ہونا پڑے, اللہ کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے. اندر سے آگ لگی ہوئی ہے, آگئی بچے کو گود میں لے کے روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے, اللہ کے نبی دیکھیے بچہ روٹی کھانے لگا, اب اس کو میرے دودھ کی ضرورت نہیں, دودھ کی ضرورت نہیں, رجم کیا جا رہا ہے.
पत्थर मारे जा रहे हैं, किसी की जबान से गलत जुमला निकल गया, गलत जुमला निकला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन टोका और फरमाया लकद ताबत तौबतन, इसने ऐसी तौबा की है। अगर ये तौबा हिजाज वालों पर, एक रिवायत में मदीने वालों पर और एक रिवायत में हिजाज वालों पर तकसीम कर दी जाए, सबकी मफ़रत हो जाएगी। ये अखलाक है अल्लाह के नबी के, जानी है जानिया है, इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आयब को छुपाया और उनकी तौबा और मफ़रत का अपनी ज़बान मुबारक से तज़किरा किया। हमें मालूम हो जाए किसी के बारे में ये ज़िनाकार है, ये शराबी है, ये बेनमाजी है, हमारे दिल में गिरह लग जाती है, नफरत हमारे दिल में बैठ जाती है। ओहो, ये तो मुंह काला करता फिर रहा है, ये शराब पीता फिर रहा है। नफरत करना आसान है, लेकिन इस गुनाह से निकालकर खुदा का मुती और फर्मा बरदार बना देना और अल्लाह के सामने झुका देना मुश्किल है। गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नफरत न करो, जुर्म से नफरत करो, मुजरिम से नफरत न करो। तो अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से हमें यह सबक दिया। छोटों के साथ प्यार का मामला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके एक सहाबी हैं जिनका नाम जाहिर है, और जाहिर ये दिमाग के एतबार से थोड़े से कमजोर थे आम सहाबा के मुकाबले में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे भी मोहब्बत करते थे। अच्छा, अल्लाह के नबी की क्या खूबी थी और अल्लाह ने कैसा बनाया था कि हर सहाबी कहा करता था अल्लाह के नबी मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। अबू बकर कह रहे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, उमर कह रहे मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, बिलाल कह रहे मेरे नबी मुझे ज्यादा चाहते हैं, उधर अम्मार कह रहे मेरे नबी मुझे ज्यादा चाहते हैं, उधर सलमान फारसी कह रहे नहीं मेरे आका मुझे ज्यादा चाहते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हैं मुझे घर में जाने की इजाजत है मुझे नबी ज्यादा चाहते हैं, अबू हुरैरा कहते नहीं नहीं मेरे नबी ने मुझे सीने से लगाया मुझे ज्यादा चाहते हैं। कैसे अल्लाह के नबी पेश आते हो, क्या किरदार होगा अल्लाह के नबी का कि हर एक ये कह रहा अल्लाह के नबी मुझे ज्यादा चाहते हैं। हम तो अगर चार बच्चे हो तो चारों बच्चे अंदाजा लगा लेते अब्बा इसको ज्यादा चाहते हैं मुझे कम चाहते हैं, अप्पी को ज्यादा चाहते हैं और मुझे कम चाहते हैं, बड़े भाई से प्यार ज्यादा है और मुझसे कम है, अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1,24,000 सहाबे किराम है और हर सहाबी ये कह रहा है आका मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, आका मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। क्या किरदार पेश किया होगा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जाहिर सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जहन के एतबार से कमजोर थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे जाहिर बादीना व नहनु हाजिरू, जाहिर हमारा देहात है हम इनका शहर है। वो देहात में रहते थे और देहात की चीजें आपकी खिदमत में लाया करते थे और अल्लाह के नबी शहर की चीजें उन्हें दे दिया करते थे। एक मर्तबा का वाकया है कि जाहिर सहाबी मदीना की मंडी में सामान बेचने भीड़ भाड़ थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से गए और जाकर के जाहिर सहाबी की कौलिया भर ली और उनकी आंखें मन कर ली और उठा लिया कौलिया भर के। जैसे दोस्त बेतकल्लुफ होता है उठा लेता, उठाया और आपने फरमाया मैं यश्तरी हादा लाब, इस गुलाम को कौन खरीदेगा। वो पहले तो छटपटाए ना मालूम कौन आ गया है, लेकिन जब आका की खुशबू लगी तो अपनी पीठ को आका के सीने से लगाने लगे कुछ मुझे बरकत हासिल हो जाए। तो आका ने फरमाया मैं यश्तरी हादा लाब। अब यहां पर आप ये देखो कहां अल्लाह के नबी का मकाम और कहां ये सहाबी और कहां मंडी मार्केट। अगर हम जैसे मौलवी मुफ्ती साहब ये करें ना मार्केट में, लोग कहेंगे इनको यार अपने मकाम का पता नहीं, कैसी ओछी हरकतें कर रहे, कैसी ओछी हरकतें कर रहे, मंडी में खिलवाड़ कर रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा वकार वाला, रोब वाला, इज्जत वाला, मकाम वाला, शराफत वाला कोई हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ ऐसे बेतकल्लुफ मजाक में, तो आपने उठा लिया सीने से लगाया और उठाकर आपने क्या फरमाया कौलिया भर के मैं अशरी हादर आप,
इस गुलाम को कौन खरीदेगा। तो हजरत जाहिर कहने लगे, अल्लाह के नबी मैं तो खोटा सिक्का हूं, मुझे कौन खरीदेगा, मैं अकल में नहीं, सूरत में नहीं, शक्ल में नहीं, मुझे कौन खरीदेगा। उनको अपनी एहसास कमतरी परेशान कर रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हौसला दिया और आपने क्या फरमाया, वलकिन इंदल्लाहि लस्ता बिकासिदिन, ऐ जाहिर तुम दुनिया वालों की निगाह में छोटे हो सकते हो लेकिन अल्लाह की निगाह में तुम छोटे नहीं हो, तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद वाला है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार एक अदना दर्जे के सहाबी के साथ, गुलामों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, घर के मुलाजिमों के साथ में, खादिमों के साथ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। हजरत अनस खादिम है, 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत की। इस 10 साल के अरसे में हजरत अनस फरमाते हैं, खदिमतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीन, मैंने आका की 10 साल खिदमत की है और इस 10 साल की खिदमत में मा काल ली उफ्फिन कत्तु, कभी भी मुझे उफ न कहा, कभी भी मुझे उफ न कहा। ये खादिम नौकर कहले आप, 10 साल में उफ नहीं। और यहां हमारा नौकर 10 दिन नहीं बचता कि मां बहन की सुना जाता, 10 दिन नहीं गुजरते हैं, हमारी जबान जब खुलती है और उसकी तोहीन करती है तो उसके दिल को चीर कर देते हैं। सब कुछ हमारे दिमाग में और हमारे जहन में आता है, बक देते हैं। जरा उसकी जगह अपने आप को खड़ा करके देखो, अगर मैं इस जगह होता और ये मेरा बड़ा होता, बॉस होता, मुझे गालियां देता तो मुझे कैसा लगता, मैं इसको बर्दाश्त करता अपने लिए, जब अपने लिए बर्दाश्त नहीं करता तो मैं इसको क्यों बकवास कर रहा हूं, क्यों इस पर जबानदराजी कर रहा हूं, क्यों मैं इसके साथ गालम गलोच कर रहा हूं। अपनी जगह उसको, अपने आप को उसकी जगह खड़ा करके देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को याद किया करो, आका ने क्या फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब ली अखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिह, कोई शख्स उनमें से उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक के जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही अपने भाई के लिए पसंद करता है। मैं अपने लिए गाली पसंद करूंगा, नहीं पसंद करूंगा तो दूसरे के लिए कहीं पसंद करता हूं, मैं अपनी तौहीन पसंद करता हूं नहीं तो दूसरे की तौहीन क्यों करूं, मैं अपने लिए बुरी चीज लेना पसंद नहीं करता, अगर साई मेरे घर में आता है तो घटिया चीज उठा के क्यों लूं, बासी सालन खुद खाना पसंद नहीं करता, साई लाया कि कोई लेगा नहीं ज्यादा इसे बासी दे दो, घर में जो बुरे कपड़े हैं उठा के साई को दे दो, अपने लिए जो पसंद नहीं किया वो साई को हमने दे दिया, जो खुद अपने लिए पसंद करो वही साई को दो। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका अमल किया, एक शाम उनसे मिलने के लिए गए तो देखा हजरत अबू ज़र और जो उनका गुलाम, दोनों का लिबास बिल्कुल सेम, एक ही जैसा, दोनों के चप्पलें एक जैसे, तो सामने का ये क्या चक्कर है, गुलाम और आका दोनों बराबर, दोनों एक सा लिबास पहने हुए हैं। हजरत अबू ज़र ने फरमाया, औसानी खलीली, मेरे दोस्त ने मुझे वसीयत की थी, मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया था कि इनके साथ, गुलामों के साथ अच्छा बर्ताव करना, जो खाना वो खिलाना, जो पहनना वो पहनाना, लिहाजा जब से मैंने आका का ये फरमान सुना है, जो खाता हूं साथ में खिलाता हूं, जो पहनता हूं वही इनको पहनाता हूं, कि हमारा ये बर्ताव है अपने मुलाजिमों के साथ, अपने नौकरों के साथ है ये बर्ताव हमारा। खुदा रहा, सोचो और गौर करो, नबी का किरदार क्या था, हमारा किरदार क्या है, नबी के अखलाक क्या थे और हमारे अखलाक क्या है। आज बद अखलाकी की जो आग लगी हुई है, इसी वजह से लोगों के दिलों में अदावत जन्म ले। नबी के अखलाक को इख्तियार करो, नबी का किरदार अपनाओ, इंशाअल्लाह ये जो हमारे दुश्मन हैं एक न एक दिन दोस्त बन के रहेंगे। इदफा बिल्लती हिय अहसन फैज़ल लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलीय्युन हमीद, ये बुराई का बदला भलाई से दो,
इंशाअल्लाह अल करीब जो दुश्मन है वो गर्म दोस्त हमारा बन जाएगा। अल्लाह हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक और आपका किरदार अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।